हेलो दोस्तों, मैं हूं हासिम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साथ। तो आप देख सकते हैं हमारा पास पैशन प्रो है दोस्तों, i3s वाला वर्जन है। तो इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं स्विच ऑन करने के बाद दोस्तों ये लाइट आ रहा है मीटर में, नीटर लाइट भी आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं नीटर लाइट भी आ रहा है, मीटर वाला लाइट आ रहा है, पर दोस्तों सब फंक्शन इसका काम कर रहा है हॉरन, और ये देख सकते हैं सेल सब कुछ काम कर रहा है दोस्तों, पर इसका मीटर में कोई तरह का ये नहीं आ रहा है, इसमें कोई सिंबल नहीं बता रहा है दोस्तों। तो दिक्कत कहाँ से है दोस्तों, आपको बताते हैं। ये दिक्कत है दोस्तों, इसका रेड वाला वायर जो रहता है, इसका रेड वायर जो कनेक्ट रहता है दोस्तों, इस तरफ से जाता है वो रेड वाला वायर, और ये वायर कहीं से कट चुका है। तो देखते हैं, आपको आगे का बताते हैं। पहले इसका वाइजर हम खोलेंगे दोस्तों आगे से, तो वाइजर को खोलते हैं दोस्तों, और वाइजर खोलने के बाद आगे आपको बताते हैं। तो वाइजर खोलने के लिए दोस्तों चार स्क्रू रहता है नॉर्मली, इसमें इधर का दो ऊपर का और दो नीचे, फटाफट खोलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं। अरे हमें दोस्तों ये वाइजर को हम कंप्लीट खोल चुके हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से यहाँ से निकाल के वाइजर को हम अलग निकाल देंगे दोस्तों, इस तरह से तो साइड में रख देंगे इस तरह से, और उसके बाद आपको यहाँ दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे ये मीटर वाला क्लिप को हम खोल चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये मीटर वाला क्लिप को खोल चुके हैं, और इसको हम चेक करेंगे दोस्तों रेड वाला वायर में, रेड वाला वायर जो अटैच है डायरेक्ट चेक करेंगे ये पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। ये हमारा मल्टीमीटर है, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मल्टीमीटर है, और ये एक बॉडी अटैच हम दे चुके हैं यहाँ, आप देख पा रहे होंगे, और ये हम रेड वाला जो है दोस्तों उस क्लिप में अटैच करेंगे रेड वाला। तो आप यहाँ मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों इस तरह से, यहाँ हम अटैच करेंगे रेड वाला, और देख सकते हैं आप वहाँ 11 वोल्ट प्लस बता रहा है, बैटरी लो है दोस्तों पर पावर सप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों इससे पता चला दोस्तों कि हमारा 12 वोल्ट पावर सप्लाई हो रहा है, पर हमारा मीटर नहीं काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक सप्लाई होने के बाद मीटर नहीं काम करे तो क्या दिक्कत है, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम इस जगह पे है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों इसका एक ये जो है रीडिंग टूट चुका है, मेन वाला जो है दोस्तों रेड वाला वो यहाँ से टूट के निकल चुका है, इसके लिए वो अटैच नहीं हो पा रहा है, और हमारा मीटर काम नहीं कर पा रहा है दोस्त। तो दोस्तों वो इस जगह से टूटा हुआ है, तो उसको किस तरह से हम अटैच करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, और बताते हैं आपको। तो दोस्तों इस जगह से ये टूट चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको दिखाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो जूम करके बताते हैं दोस्तों आपको। तो आपको दिख पा रहा हो दोस्तों इस तरफ का खूंटी एक टूट चुका है, जो मेन वाला है रेड वाला वो टूट के यहाँ से निकल चुका है दोस्तों अंदर, ये देख सकते हैं टूट के निकल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो पॉसिबल नहीं वहाँ सोल्डिंग करना या कोई तरह का ये, तो दोस्तों इसको किस तरह से हम चालू करेंगे, वहाँ का जो कार्बन है दोस्तों इसके अंदर में, वो कार्बन को हम हटाएँगे, और वो टूट चुका है दोस्तों, और उसको हम अटैच करेंगे किस तरह से आप देखिए, कोशिश करेंगे दोस्तों, होने का चांसेस है तो हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में किस तरह से। और दोस्तों इस जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच होता है वो, उसका जो खुट्टी रहता है दोस्तों वो वाला, तो इसमें अटैच नहीं हो पाएगा दोस्तों, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें किस तरह से हम अटैच करेंगे दोस्तों, आप देखते रहिए हमारे वीडियो में, बने रहिए। उसको अटैच करने से पहले दोस्तों इस जगह पर हम पूरा साफ़ करेंगे इसको फरेज से, यहाँ पर ये देख रहे हैं पीला पीला कार्बन टाइप का हो गया दोस्तों, इसको हम साफ़ करेंगे बहुत सावधानी से, और साफ़ करने के बाद दोस्तों हम वायर को किस तरह अटैच करेंगे आपको बताते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक टूटा हुआ है दोस्तों, और उसको हम बराबर तरह से साफ़ कर चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा होल्डर है जो मीटर में अटैच रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये होल्डर है जो हमारा मीटर में अटैच रहता है। तो दोस्तों इधर से आप देख सकते हैं यहाँ से ये दूसरा नंबर है, जो दूसरा नंबर होल है दोस्तों ये हमारा रेड वायर अटैच रहता है ये वाला दोस्तों, जो कि हम निकाल चुके हैं, तो इसको निकाले हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि ऊपर का सड़ चुका था, उसका खुट्टी टूट चुका है,
तो इसको हम निकालेंगे, दूसरा तरकीब लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसको चलाने का कोई साधन नहीं है और इस जगह से टूटा हुआ है तो वहाँ कोई उपाय नहीं दोस्तों। इंसान सोल्डिंग भी नहीं मार सकता है और कोई तरह का अटैच नहीं कर सकता, तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों आप देखते रहिए। ऐसा वायर लेंगे दोस्तों एक हम, और ये वायर को इस जगह से यहाँ पर देख सकते हैं, ये दूसरा नंबर में यहाँ से इस तरह से हम अटैच कर देंगे। ये अटैच करनी है दोस्तों इस तरह से, अटैच करने के बाद तो इस तरह से दोस्तों इसमें हम वायर अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से अटैच करके इसको नीचे को मोड़ दीजिए। दूसरा नंबर होल में दोस्तों आप देख सकते हैं, और इसको इसी तरह से हमको इसमें इस तरह से दोस्तों यहाँ इसको अटैच कर देंगे हम आराम के साथ में। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस वायर को हम उसमें घुसा के अंदर से और यहाँ से अटैच करके निकाले हैं दोस्तों इस तरह से, और दूसरा कोई रास्ता नहीं दोस्तों। और इसको कोई मैकेनिक चालू नहीं कर सकता है क्योंकि इस जगह से टूटा हुआ है, तो ये नहीं है, तो हम इसका प्रोसेस कर दे रहे हैं दोस्तों ताकि चले कोई भी। और ये हमारा वायर वहाँ से मेन वाला हम अटैच कर चुके हैं, और ये हमारा रेड वाला है ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रेड वाला वायर है, इसमें हम इसको अटैच करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो चुका है दोस्तों। और अब आइए इधर, ये हमारा फाइनली लग चुका है हर तरह से। ये मेन वाला वायर कटा हुआ था दोस्तों, कटा नहीं था, उसका अंदर का क्लिप टूटा हुआ था दोस्तों, वो अटैच नहीं हो पा रहा था तो इसको हमने कनेक्शन कर दिया दोस्तों। और अब हम चाबी को ऑन करेंगे और देखेंगे हमारा मीटर बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो दोस्तों चाबी को हम करते हैं ऑन, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सब हमारा चालू हो गया, सब कुछ बता रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये मीटर हमारा चालू हो चुका है। तो दोस्तों इसका होने का कोई प्रोसेस नहीं था, कोई तरह होने का चांस नहीं था दोस्तों, फिर भी हम दिमाग लगाएं और दिमाग लगाने के बाद इतना काम किए दोस्तों, तो फाइनली हमारा ये काम हो चुका है। अब हम हेडलाइट को लगाते हैं दोस्तों, आगे का बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम इसको अटैच कर चुके हैं और यहाँ टेप मार चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं। और टेप मारने के बाद इसको रबड़ को हम इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों, ताकि पानी उनी के अंदर ना जा पाए, ये देख पा रहे होंगे इसको हम अटैच कर दिए दोस्तों, पूरा तरह से बढ़िया हो गया है। अब दोस्तों इसका वाइजर को लगाते हैं और फाइनली आपको बताते हैं। तो फाइनली हम वाइजर को लगा चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको डायरेक्टली बताते हैं यहाँ पर मीटर में दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ चाबों को क्यों ऑन, और ये देख सकते हैं हमारा सब वर्किंग कर रहा है दोस्त, ये हमारा सब कुछ बताने लगा दोस्तों, किलोमीटर सर्विस अमाउंट और सब कुछ चालू हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो रेड वाला वायर कटा नहीं था दोस्तों, पर उसका रेड वाला क्लिप का जो है अंदर से सड़ के निकल चुका था, तो बढ़ने का कोई चांस नहीं था दोस्तों, फिर भी उसको कोशिश करके बनाया गया। तो इंसान चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनली हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा मीटर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन को भी ऑन करो दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों आज तक के वीडियो यहीं करते हैं, एंड।